महादेव, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर और मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। और इस नए दिन की नई सुबह में मैं आपको दर्शन कराने के लिए आई हूं सबसे पहले महादेव जी के। और जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है टपकेश्वर महादेव मंदिर जो कि देहरादून के घाटी टोस नदी पर स्थित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ इस जगह पे पौराणिक महत्व महाभारत के प्राचीन काल से है और यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं महादेव जी के। और खासकर महाशिवरात्रि और सावन के महीने मतलब जुलाई में ये यहाँ पर मेला लगता है और साथ ही साथ बहुत भीड़ रहती है महादेव के दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं आपको ले चलूंगी यहाँ से अंदर मंदिर की तरफ जहाँ पे हम दर्शन करेंगे महादेव के। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं प्रसाद और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत सारी यहाँ पर दुकानें बनी हुई है जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा जो आप चढ़ाना चाहें महादेव को वैसा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए पहले मैं ले लेती हूँ प्रसाद और उसके बाद चलते हैं यहाँ से अंदर। दोस्तों मैंने ले लिया यहाँ से प्रसाद तो अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं लगभग कितनी होंगी तो उन्होंने मुझे बताया कि अराउंड 100 सीढ़ियाँ हैं यहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। और आप यहाँ पर देख पाएंगे जब सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं तो कितनी अच्छी यहाँ पर इन्होंने लाइटनिंग की हुई है यहाँ पर मंदिर से उतरते समय। तो आप सोच सकते हैं कि शाम को कितना भव्य हमें यहाँ पर रोशन वाला और चमचमाती हुई यहाँ पर हमें ये रास्ता हमें मिलेगा। मतलब शाम को बहुत ही अलग दृश्य हमें यहाँ पर मिलेगा जब हम महादेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। नीचे उतरते हैं और बिल्कुल मंदिर के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पर वाल्मीकि जी के और साथ में लवकुश बैठे हुए हैं। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं इनके। अभी आप सभी ने मेरे साथ वाल्मीकि जी के और लवकुश के दर्शन किए हैं और अभी आप देख सकते हैं हम बिल्कुल पहुंच ही गए हैं मंदिर आप देख पाएंगे। और अब मैं आपको दर्शन कराती हूँ महादेव जी के। महादेव मंदिर जब आप आते हैं तो आप सीढ़ियों के थ्रू नीचे आते हैं। लगभग मैंने आपको बताया है कि 100 सीढ़ियां हैं बट यहां पर आप जब नीचे आते हैं तो आपको यहां पर एक लिफ्ट भी मिलती है और यहां पर लिखा भी है कि 20 रुपए पर पर्सन है। और जो विकलांग है या जो बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते सीढ़ियों से उनको प्रॉब्लम होती है तो आराम से लिफ्ट से आ सकते हैं नीचे और महादेव के दर्शन कर सकते हैं।
अभी हम यहाँ से मैं आपको मंदिर की तरफ ले चलूंगी अंदर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से अब मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ टपकेश्वर महादेव के। और मैं अंदर चलकर आपको महादेव के दर्शन तो जरूर कराऊंगी, साथ ही साथ इसके ऐतिहासिक और इसके पौराणिक कथा क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। भगवान शिव यहाँ पर इस गुफा में विराजमान है, यही है वो ही स्थान। इस गुफा के अंदर इन पत्थरों की आकृति को देखिए, कुछ पत्थर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो शेषनाग का फन हो। ये गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, यहाँ पानी के बूंदे लगातार टपकती रहती हैं। बरसात के दिनों में पानी की धारा तेज हो जाती है और जो पानी की बूंदे हैं लगातार शिवलिंग पर पड़ ही रही हैं। कहा जाता है कि इस गुफा की तरह ही शिवलिंग भी स्वंभू है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि अश्वत्थामा को अमरता मिलने से पहले एक कथा है जो दूत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि द्रोण पुत्र ने जन्म के बाद कई वर्षों तक दूत का सेवन नहीं किया, और जब वो पहली बार किसी ऋषि के घर में दूध पीकर घर आए तो माता से दूध की मांग की। बार बार जिद करने के बाद द्रोण की माँ ने कहा जा शिव से ले ले। कहा जाता है इसके बाद अश्वत्थामा ने भी इसी स्थान पर महादेव की तपस्या की थी। टपकेश्वर महादेव का दूसरा नाम है दुधेश्वर भी कहा जाता है। इसकी भी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर द्रोण पुत्र ने दूध का स्वाद चखा था। ये भी कहा जाता है कि कलयुग के आगमन तक यहाँ दूध ही टपकता था, लेकिन कलयुग आने के बाद ये पानी में बदल गया। एक और पौराणिक मान्यता है, आदिकाल में भगवान शिव ने यहाँ देवताओं की प्रार्थनाओं से खुश होकर उन्हें दिवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। तब से इस स्थान का नाम टपकेश्वर दिवेश्वर पड़ा। यहाँ जो आप गुफाएं देख रहे हैं, इन गुफाओं का नाम द्रोणा गुफाएं हैं। देहरादून का प्राचीन नाम है, अगर आपको नहीं मालूम तो बताना चाहूँगी, द्रोणा नगरी। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि देहरादून में अधिक से अधिक स्थानों पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की करी हुई है और अपने छात्रों को यहाँ शिक्षा देते थे, इसलिए देहरादून को द्रोणा नगरी के नाम से भी जाना जाता था। इस गुफा में टपकेश्वर महादेव जी के अलावा एक और गुफा है जिसमें अन्य देवी देवता भी विराजे हुए हैं। गणेश जी की मूर्ति बहुत ही सुंदर। यहाँ है श्री कपिल महामुनि जी, फिर है लक्ष्मी नारायण जी, पीछे हैं भगवान शिव और माता पार्वती जी। ये वही शिवलिंग है जो नेचुरली बना था,
और इसके ऊपर अभी भी पानी टपकता रहता है। जैसे ही आप महादेव के दर्शन करके आते हैं तो बाहर ही आप देख पाएंगे यहाँ पर भैरव बाबा विराजमान है। तो जब भी आप यहाँ महादेव के दर्शन करें तो भैरव बाबा के जरूर दर्शन करें, क्योंकि ये मान्यता है कि जब भी आप महादेव के दर्शन करके आते हैं तो बिना इनके दर्शन करे ये जो दर्शन है पूरे नहीं माने जाते। सभी को टपकेश्वर महादेव के दर्शन कराए और अंदर दिखाया कि वहाँ पर पूजा चल रही थी, तो उसमें भी मैंने आप सभी को शामिल कराया। तो आपको ये कैसा लगा महादेव के दर्शन करके मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। अब मैं आपको बताती हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी जो पांडव और कौरवों के गुरु थे वो यहाँ पर रहा करते थे, और इस जगह की ये मान्यता है कि इस जगह पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की ये जन्म स्थली है और तपस्थली भी है, और यहाँ पर जो उनके माता पिता यानी कृपि और द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की थी, और भोलेनाथ जी उनकी पूजा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको वरदान दिया कि आपके घर एक पुत्र की मतलब जन्म होगा, तो तब अश्वत्थामा का जन्म इसी स्थान पर हुआ। मंदिर के अलावा यहाँ जब आप सीढ़ियों से नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको एक छोटी नदी देखने को मिलेगी। इस नदी को तोमसो नदी या देवधारा नदी भी कहा जाता है। ये नदी मसूरी से निकलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि देहरादून के प्रेम नगर इलाके में ये पहुँच कर ये नदी लुप्त हो जाती है, जबकि यहाँ से पानी 12 महीने बहता है। इस जगह की एक और मान्यता है वो ये है, अश्वत्थामा को भगवान शिवजी जी ने अमरता का वरदान दिया था, और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी गुफा में उनकी प्रतिमा भी है। तो मैं देखती हूँ कि कहाँ पर वो गुफा है और उस अश्वत्थामा की प्रतिमा की मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जब आप महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं तो माँ संतोषी माता के दर्शन आप यहाँ पर करने को आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आगे आप देखेंगे बड़े ऊंचे विशाल प्रतिमा यहाँ पर हनुमान जी की विराजमान उनको किया हुआ है, और साथ ही बिल्कुल उनके आगे माता वैष्णो देवी जो गुफा आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ इन तीन मंदिर में, माँ संतोषी माता, हनुमान जी और माँ वैष्णो देवी गुफा मंदिर की तरफ। हम यहाँ ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आए थे और फिर हम इधर गए थे जो मेन टपकेश्वर महादेव जी की गुफा है। यहाँ से अभी हम नीचे चल रहे हैं और पुल को क्रॉस करके मंदिर के दर्शन करेंगे। यहाँ पे शिवजी जी की एक मूर्ति है।
ये जो आप अभी देख रहे हैं मूर्ति, ये है श्री कपिल महामुनि जी। अब हम आ पहुंचे हैं माता संतोषी जी के मंदिर, और यहाँ बाहर आप देख पाएंगे कि माता जी को विराजा हुआ है, तो आप दर्शन कर पाएंगे इनके। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अंदर, और आप अंदर दर्शन कर पाएंगे सात मुखी हनुमान जी, गणेश जी, भैरव बाबा, शनि देव, परम पिता माता, नवग्रह, दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता, और बीच में है संतोषी माता, फिर है गायत्री माता, अन्नपूर्ण माता, बाबा गोरखनाथ, राम दरबार, श्री राधे कृष्ण जी, साई बाबा और महादेव जी विराजे हुए हैं अपने परिवार सहित। तो इन सभी देवी देवताओं के आप इस संतोषी माता मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। अब मैं आपको ले चल रही हूँ माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं माता वैष्णो के। और दोस्तों, यहाँ पर आपको अन्य गुफा भी देखने को मिलेंगी। जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। टर्न्स भी है, साथ ही थोड़ा झुक झुक कर चलना पड़ रहा है। जब मैं मंदिर के प्रांगण में आई तो एक अलग और अद्भुत नजारा देखने को मिला, और पता किया तो कई सारे श्रद्धालुओं ने मिलकर इन 1.25 लाख मिट्टी से बने शिवलिंग को स्थापित किया, जो कि पूजा अर्चना करने के बाद इस धौंस नदी में विसर्जित किए जाएंगे, ये 1.25 लाख शिवलिंग। यहाँ आपको कई सारी प्राकृतिक गुफाएं और पत्थरों पर आकृतियां देखने को मिलेंगी। हम चल रहे हैं माँ काली के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे चुनरियाँ चढ़ाई हुई हैं, साथ ही यहाँ पर भी गुफा है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अगर आप आसपास का वातावरण देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, बहुत हरियाली आपको मंदिर के आसपास मिलेगी। अगर आप देहरादून आए तो टपकेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने ज़रूर आएं, आपको यहाँ पर बहुत ही सुकून महसूस होगा। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा।
कपकेश्वर महादेव के दर्शन कराए हैं और साथ ही साथ माता संतोषी माँ और माता वैष्णो देवी और हनुमान जी के भी दर्शन कराए। तो आप सभी को इनके दर्शन करके कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ संतोषी, जय माँ वैष्णो देवी और जय श्री राम, जय हनुमान जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।